गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं सुमित सारस्वत, आईएसपी दुदांक चैनल, यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप लोग मेरी प्रतीक्षा में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं समय पर। तो मेरे पास शब्द नहीं होते आप लोगों की इस प्रशंसा के लिए, लेकिन क्या करूं, मुझे आप लोगों के लिए उपस्थित होना पड़ता है। आप लोग भी उतनी ही मेहनत करते हैं, मेरे साथ उपस्थित रहते हैं, और मेरा प्रयास रहता है कि मैं हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आऊं। तो जब मैं नया लेकर के आता हूं, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करूं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से न केवल महत्वपूर्ण हो, बल्कि आपकी परीक्षा में एक नया आयाम स्थापित करने वाला हो। इन्हीं चीजों को दृष्टिगत रखते हुए यहां से हमारी कल की क्लास फिनिश हुई थी, उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोग आज की क्लास में ध्यान रखेंगे, और आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप लोग अपना प्यार मुझे देना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जिन लोगों को नोटिफिकेशन समय पर नहीं मिल पा रहा है, उन सभी को नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। तो आज की क्लास की स्टार्टिंग में सबसे पहले आपके लिए एक शेर, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, और अगर आपने कदम से कदम मिलाकर मेरा दिया साथ, तो मेरा वादा है कि आरएफआर बैच के माध्यम से आपका पीटी जरूर निकलेगा। चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि आज हमारी प्रीलिम्स आरएफआर बैच की दूसरी क्लास है, जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सीधे सीधे हम लोग अपने विषय पर आते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स फाइटर बैच चल रहा है और इसमें आरएफआर को फोकस किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि सर आरएफआर का मतलब क्या है, तो मैं उनको जरूर बताना चाहूंगा कि आरएफआर का मीन क्या है। आरएफआर का मीन है रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स। तो आप लोगों को यहां पर क्या करना है कि जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको समझा रहा हूं, आपको उस एक्सप्लेनेशन को समझना है, उसके बाद आप इसको फॉरवर्ड करेंगे और आप जाएंगे ऐप पर। आपको ऐप पर ये क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे, ऐप पर जाकर के आप इन प्रश्नों को दोबारा से हल करें। ऐप पर आपको जो प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे, वहां पर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोग उस डिटेल एक्सप्लेनेशन पे जितना फोकस कर रहे हैं, उसको तो ध्यान में रखें ही, साथ में जितना एक्सप्लेनेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं क्लास में, उस पर भी अपना ध्यान रखें, ताकि आप लोगों की सफलता सुनिश्चित करने में हम पूरी दमखम लगा सकें। क्योंकि मैं चाहता हूं यूपीएससी प्रीलिम्स में इस बार जो बच्चे आरएफआर से जुड़ रहे हैं, वो बच्चे, एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका यूपीएससी पीटी फाइट ना हो पाए। तो इसी बात पर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और लास्ट में याद रखिए कि जब आपकी क्लास ओवर हो जाए, तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से मुझे यह बताइए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स को जान सकूं और पढ़ सकूं और बता सकूं कि मुझे नया नया क्या एक्सपेरिमेंट इसमें करना चाहिए। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर हम आज की क्लास में कुछ नए विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि कल हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, हम लोगों ने यहां तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम यहां से डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न खुला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 1853 ईस्वी के राजलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राजलेख ऑफ 1853 AD। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा को आधार बनाया गया। इंस्टीड ऑफ नॉमिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वर मेड द बेसिस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। द लॉ मेंबर वॉज मेड अ फुल मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। यह चार्टर भारतीय शासक के ब्रिटिश कालीन इतिहास में अंतिम चार्टर था। दिस चार्टर वाज द लास्ट चार्टर इन द ब्रिटिश एरा हिस्ट्री ऑफ द इंडियन रूलर। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब यहां पर सबसे पहले हम 1853 के बारे में एक भूमिका बनाते हैं। तो आपने कल की क्लास में जाना था कि 1833 का जब एक्ट पारित हुआ, तो 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जब बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रमोट करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, उसके बाद क्या हुआ?
बहुत सारे जो कंपनी के कर्मचारी थे वो इस बात का मुद्दा बनाने लगे कि आपने एक व्यक्ति को इतने सारे अधिकार दे दिए हैं, और आपके यहां पर जिन व्यक्तियों को अपॉइंट किया जा रहा है उनका कोई अनुभव नहीं देखा जा रहा है, और वो सिर्फ सामान्य आधार पर यानी जो भी कंपनी के लोग हैं उनको खुश करते हैं, उनको क्या बोलते हैं कोई उपहार दे देते हैं, उनको कुछ पैसा दे देते हैं तो उनका नाम प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में जिनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आ पा रहे। इस समस्या का समाधान करने के लिए 1853 का एक्ट लाया गया। 1853 के एक्ट में यह प्रोविजन किया गया कि अब जितने भी व्यक्ति भारत में पदाधिकारी के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे उन सभी व्यक्तियों को अब एक परीक्षा पास करनी होगी, और वो परीक्षा ब्रिटेन में होगी। तो पहले बार क्या हुआ, 1853 में ब्रिटेन में सिविल सर्विस परीक्षा का आयोजन कराया गया। अब यहां से एक और प्रश्न उठता है कि सबसे पहले सिविल सर्विस परीक्षा का आयोजन किस देश में हुआ था, तो आपको याद रखना चाहिए सबसे पहले सिविल सर्विस परीक्षा कराने वाला जो देश था वो एक्चुअली में ब्रिटेन नहीं था, वो कौन था, चाइना था। तो सबसे पहले सिविल सर्विस परीक्षा का आयोजन कहां पर हुआ था, चाइना में हुआ था। बाद में चाइना के कंसेप्ट को कॉपी किया यूरोपियंस ने, और उन्होंने भारत में पदाधिकारियों के यानी ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट के लिए क्या किया, ब्रिटेन में सिविल सर्विस परीक्षा का आयोजन शुरू कराया। अब जो लोग ब्रिटेन में होने वाली सिविल सर्विस परीक्षा को पास करेंगे उन लोगों को अब भारत में अधिकारी के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा। यानी आप पहला स्टेटमेंट देखिए, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अब नॉमिनेशन नहीं होगा, अब नॉमिनेशन नहीं किया जाएगा, इसके स्थान पे क्या करना होगा, उनको कॉम्पिटिटिव परीक्षा देनी पड़ेगी यानी सिविल सर्विस एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है कि सिविल सर्विस परीक्षा जो हुई पहली बार ब्रिटेन में कब हुई, 1853 के एक्ट के तहत हुई। यानी आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से सही है। अब देखिए, जब ब्रिटेन में परीक्षा हुई और लोग चयनित होकर के आ रहे हैं, परीक्षा पास करके आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नर जनरल है, ये गवर्नर जनरल क्या कह रहे हैं, एक्चुअल में हुआ क्या था कि पहली बार विधि सदस्य की नियुक्ति का जो प्रोविजन किया गया वो किया गया था 1833 के एक्ट में। 1833 के एक्ट में पहली बार विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद के रूप सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया, लेकिन यह पूर्ण सदस्य के रूप में नहीं था, यह केवल उसकी हेल्प के लिए था। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया, इसका मतलब है कि अब गवर्नर जनरल को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो वो लीगल एडवाइजर की हेल्प ले सकता है। अब यहां पर इस बात को साबित कर दिया गया, यानी विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पर बिल्कुल सही है। अब जब दूसरा स्टेटमेंट सही है तो तीसरे पे आते हैं। आप देखिए, यह चार्टर भारतीय शासक के ब्रिटिश कालीन इतिहास में अंतिम चार्टर था। आप सभी जानते हैं कि 1857 में क्या हुआ था, 1857 में हुआ था रिवॉल्ट। 1857 में रिवॉल्ट हुआ, क्रांति हुई। अब 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ जिसे हम कौन सी क्रांति कहते हैं, 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो जैसे 1857 की क्रांति हुई, आपको पता है 1858 में एक नया एक्ट पारित हुआ था, और 1858 में जब नया एक्ट पारित हुआ तो इसके द्वारा ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और पूरा का पूरा शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। इसका मतलब है कि यह निश्चित तौर पर सही है स्टेटमेंट कि यह चार्टर भारतीय शासक के यानी ब्रिटिश कालीन इतिहास में एक अंतिम चार्टर था। यह स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सही है। तो 1853 में जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सारे स्टेटमेंट मैंने यहां पे शामिल कर लिए हैं। यानी अगर इस एक्ट से कोई भी प्रश्न आता है तो निश्चित तौर पर आपका सही होगा, यह इस बात का मैं वादा करता हूं। तो आप देखिए, उपर्युक्त में से कितने कथन सही है। तो 1857 से पहले ये हो रहा है, यानी ये कैसा चार्टर है, ब्रिटिश कंपनी का अंतिम चार्टर है। इसका मतलब हुआ कि आपके स्टेटमेंट कौन से सही हैं, आप मुझे बता सकते हैं। यहां पे जो स्टेटमेंट है, केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, केवल तीन सही हैं, या सभी तीन सही हैं, यानी ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे किस तरीके से हमने क्या क्या किया है।
हर एक एक्ट पर मैं यहां डिटेल में बात करने वाला हूं। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी स्टेटमेंट मैंने यहां पे डिस्कस किए हैं उनके अलावा कोई भी स्टेटमेंट यूपीएससी में पूछे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी ताकत से पूरी मेहनत से इन क्वेश्चंस को तैयार किया है। आगे चलते हैं और हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, यह प्रश्न है हमारा 1858 ईस्वी भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में गलत कथन पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा किसके बारे में बातचीत की जा रही है, भारत सरकार अधिनियम 1858 यानी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 के बारे में बात की जा रही है। और मूल विषय क्या है यहां पर पूछा जा रहा है कि व्हाट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गलत कथन पर विचार करना है कि आखिर इनमें से गलत कथन कौन सा है। कई बार क्या करते हैं जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते और सिर्फ प्रश्न पढ़ा उसके नीचे जो पॉइंट इंडिकेट किया गया है उस पर ध्यान नहीं देते और वहीं पर हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो देखिए यहां पर आपसे कहा जा रहा है, मैंने अभी अभी बताया कि 1857 के रिवॉल्ट हुआ, 1857 ईस्वी की क्रांति हुई और जैसे ही 1857 की क्रांति हुई ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश कंपनी के शासन को पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। अब ब्रिटिश क्राउन ने जब पूरी तरीके से अपने हाथों में ले लिया तो क्या हुआ, ध्यान दीजिए, यह अधिनियम कौन सा अधिनियम 1858 ईस्वी का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इसको महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद पारित हुआ। आप सीधी सी बात समझ रहे हैं कि जैसे ही ब्रिटिश क्राउन का शासन आएगा यानी कि ब्रिटिश के राजा का शासन आएगा तो ब्रिटेन के राजा को क्या करने पड़ेंगे, शासन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए सिग्नेचर करने पड़ेंगे, पारित करना पड़ेगा। तो वही हुआ यानी 1858 के समय जब इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पारित हुआ ब्रिटेन की महारानी कौन थी, महारानी विक्टोरिया थी और उन्होंने इस पर अपने सिग्नेचर कर दिए और इसको पारित कर दिया कि भैया अब 1858 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत अब ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत किया जाता है और ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत की जाती है। यानी ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। अब यहां पर ध्यान देना है दूसरा स्टेटमेंट, अब शासन किसके हाथों में आ गया, ध्यान दीजिए, अब शासन ब्रिटिश कंपनी से निकल करके ब्रिटिश क्राउन के यानी ब्रिटिश राजा के हाथों में आ चुका है। अब ब्रिटिश राजा के हाथों में आ गया तो ब्रिटिश राजा सीधे तो शासन करने इंडिया में नहीं आएगा, वो क्या करेगा, अपने एक सचिव को बाहर के शासन में दखल देने के लिए अपॉइंट कर देगा यानी एक इंडियन सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। लेकिन वो इंडियन सेक्रेटरी इंडिया में नहीं, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का मेंबर बने रहते हुए भारत का गवर्नर जनरल जो भी कार्य करने जा रहा है उन सारे कार्यों के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा, पूरी इंक्वायरी करेगा। अब दूसरे स्टेटमेंट को पढ़िए, भारतीय गवर्नर जनरल को, अब भारतीय गवर्नर जनरल जो है यहां पे इसको वायसराय कहा जा रहा है। तो हुआ क्या है, बेसिकली जैसे ही ब्रिटिश कंपनी ने शासन को अपने हाथों में से छोड़ दिया और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन आ गया तो जो भारत का गवर्नर जनरल है उसकी पावर भी बढ़ानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अब ब्रिटिश शासक सीधे सीधे इसको अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले रहा है। अब जब सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार इसको अपने नियंत्रण में ले रही है, ब्रिटिश शासक नियंत्रण में ले रहा है, तो वो क्या करेगा कि भारत में भी जो गवर्नर जनरल है उस गवर्नर जनरल को एक बड़े नाम देकर के इंडिकेट करेगा और उस क्या कहेगा, वायसराय कहेगा। वायसराय का मतलब क्या होता है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि भारतीय गवर्नर जनरल का जो पद था वो इस अधिनियम के द्वारा वायसराय के पद में परिवर्तित कर दिया गया। यानी हम कह सकते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल को एक नया नाम दिया गया और वो दिया गया भारत का वायसराय। कौन से एक्ट के द्वारा दिया गया, 1858 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा दिया गया। अब यहां पर देखिए, को भारत सचिव की आज्ञानुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया गया, यहां पे ध्यान देना है किस पे नहीं किया गया। मैंने अभी अभी आपको बताया शासन किसके हाथों में है, शासन जो है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में है और ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, एक इंडियन सेक्रेटरी को अपॉइंट कर दिया जो लंदन की पार्लियामेंट में बैठ करके भारत के गवर्नर जनरल से पूरी इंक्वायरी ले रहा है,
पूरी इंक्वायरी ले रहा है, लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा है, बाध्य नहीं किया गया। इसका मतलब है कि जो इंडिया का वायसराय है अब भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाउंडेड है, बाउंडेड है। यानी आपका यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब ये गलत हो गया, आगे चलते हैं। इसके द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया। अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि इसके द्वारा कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया और पूरा का पूरा शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। यानी आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट कैसा है, सही है। अब आप देखिए कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हैं, इन दोनों को, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का, इन दोनों का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। तो 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को गठित किया गया था, एक जो है व्यापारिक मामलों के लिए और एक प्रशासनिक मामलों के लिए। लेकिन ये दोनों जो बोर्ड थे वो किसके लिए बनाए गए थे, किसके द्वारा बनाए गए थे, कंपनी के द्वारा बनाए गए थे। अब कंपनी के शासन का ही अंत हो चुका है, तो इसका मतलब है कि ये बोर्ड अपने आप क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया। इसका सीधा सीधा उत्तर क्या है, आप समझ रहे होंगे कि भारतीय गवर्नर जनरल यानी वायसराय को भारत सचिव की आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया था। यहां पे अगर नहीं शब्द नहीं होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है, आप लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिन बच्चों तक इसकी पहुंच होनी चाहिए, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप लोगों का मुझे कितना प्यार मिल रहा है और मैं नए सिरे से कुछ नई नई टेक्निक खोजकर आपके लिए नए प्रश्न तैयार करके आपके लिए भविष्य का रास्ता खोल दूं, यूपीएससी जाने के रास्ते को अख्तियार कर दूं। आगे चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर अगला प्रश्न क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में से मैं किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। अगला है, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 कर दी गई। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है और यह देखिए यहां पर प्रश्न का तरीका भी बदल दिया गया है। अब प्रश्न का तरीका क्या बदला है, आप इसके स्टेटमेंट देखिए, कोई भी एक, कोई भी दो, सभी तीन, कोई भी नहीं, एनी वन एनी टू ऑल थ्री, नाइदर वन नाइदर वन नाइदर नॉट। अब यहां पर सोचना ज्यादा पड़ेगा, तो आप लोग अगर समझ पा रहे हैं तो देखिए एक बार इसका उत्तर देख के बताइए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। अब पहले मैं आपको समझाता हूं, अब यहां पे हमें समझना है तो ध्यान क्या देना पड़ेगा, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। हमें किस पे ध्यान देना है, नहीं वर्ड पे ध्यान देना है, यानी नो डिस्टिंक्शन वाज मेड बिटवीन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट। यहां पे मेन वर्ड क्या है, नो। आप बताइए कि वे विषय जो प्रांतों के लिए काम करते हैं और वे विषय जो केंद्र के लिए काम करते हैं, क्या दोनों एक हो सकते हैं। अगर हम भारत के संविधान को देखें और 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल की बात करें, तो आप समझ सकते हैं कि यूनियन लिस्ट में जो विषय हैं वो अलग हैं, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं वो अलग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट अलग हैं, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट अलग हैं, यानी प्रोविंशियल लिस्ट के सब्जेक्ट अलग हैं, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में भेदभाव होगा। यहां पे क्या कहा जा रहा है, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। इसका मतलब क्या है, यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भेदभाव होना तय है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 कर दी गई। तो विधि निर्माण का मतलब क्या होता है, कि अब जितने भी लॉ बनाए जाएंगे, तो लॉ जो बनाए जा रहे हैं उसमें क्या किया जाएगा, कि जितने भी मेंबर हैं
उन मेंबर्स को दो तरीके से यहां पर अपॉइंट किया जाना है। एक तो सीधे सीधे गवर्नर जनरल जिनको मेंबर के तौर पर अपॉइंट कर रहा है, लेकिन कुछ भारतीयों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो भारतीयों को जब शामिल किया जाएगा तो इनकी एक संख्या निर्धारित की जाएगी कि भैया इतने लोगों को हम यहां पर शामिल करेंगे, कम से कम इतने लोग होने चाहिए, अधिक से अधिक इतने लोग होने चाहिए। यानी जब भी लॉ बनेगा तो क्या होगा, जो अतिरिक्त सदस्य हैं उनकी संख्या मिनिमम 6 होगी और मैक्सिमम जो है 12 होगी। तो विधि निर्माण जब भी होगा, यानी जब भी लॉ मेकिंग होगी, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए भारतीय सदस्यों की जो संख्या है वो मिनिमम 6 डिसाइडेड की गई और मैक्सिममली 12 डिसाइड की गई। यानी ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से सही है। अब आप आगे देखिए, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। अब इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में, अब गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद की बात की जा रही है, तो आपने देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। अब 4 सदस्य नियुक्त किए गए, बाद में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या घटा करके 3 कर दी गई, तो परिषद के सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। 1833 के एक्ट में एक नए सदस्य विधि सदस्य को शामिल किया गया, यानी सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 4 कर दी गई। 1858 के एक्ट में क्या हुआ, 1858 के एक्ट में यह प्रोविजन किया गया कि गवर्नर जनरल अपनी सहायता के लिए एक परिषद का गठन कर सकता है और एक ऐसी परिषद बनाएगा जो राज्यों के लिए अलग तौर पर होगी और संघ के लिए अलग तौर पर होगी। अब ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या डिक्लेयर किया गया है, मेंबर कितने से कम हो सकते हैं 6 और मेंबर अधिकतम कितने हो सकते हैं 12। लेकिन भारतीय सदस्यों को कम से कम शामिल करने के लिए गवर्नर जनरल क्या करेगा, 1-2 सदस्य को इंपॉर्टेंट देगा। तो 4 सदस्य तो ब्रिटिश काउंसिल के हो गए, इसके अलावा एक जो मेंबर है वो लीगल एडवाइजर हो गया 5, और इन्होंने 2 भारतीयों को शामिल कर लिया, तो 5 और 2 मिलके कितने हो गए 7 हो गए। यानी तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, कोई भी 1, कोई भी 2, सभी 3। तो आप समझ पा रहे हैं इसमें कितने स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और यह वाला स्टेटमेंट भी सही है। यानी आपका उत्तर क्या होगा, कोई भी 2। समझ आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना आप लोगों को क्लास पढ़ने में? अगर आपको क्लास पढ़ने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों तक इसकी पहुंच हो सके जो वास्तव में इसके हकदार हैं। क्योंकि यह हमारा पेड कोर्स है, अभी हम इसको प्रमोशन के लिए कुछ दिन 2-4 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे, उसके बाद हम इसको केवल ऐप पर चलाएंगे और ऐप पर हम जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे उन सभी क्वेश्चंस का डिटेल एनालाइज कराएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि वो डिटेल एनालाइज जो आपको क्वेश्चंस के साथ में प्रोवाइड कराया जा रहा है उससे भी ज्यादा इफेक्टिव जो एनालाइज है वो क्लास में होगा। आप देख रहे हैं कि 1861 के जितने भी फैक्ट बनते हैं वो मैंने यहां पर कवर कर लिए हैं। तो एक बार वीडियो को तेजी से लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। और जिन लोगों ने अभी तक आरएफआर के बैच में अपना एडमिशन सुनिश्चित नहीं कराया है वो लोग ध्यान रखें, उनको क्या करना है, उनको 8750711100 और 22 इनमें से किसी भी नंबर पर कंसल्ट करके वो अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करा सकते हैं। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए अपने क्लासेस ताकि प्रॉपर तरीके से शुरू हो सके, क्योंकि अभी हम प्रमोशन के लिए 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं और हमारी क्लासेस 20 अगस्त के बाद 2 घंटे की होने जा रही हैं और उसके बाद हमारी फीस भी बढ़ने जा रही है। अभी केवल 2199 रुपए फीस है, बाद में हम इस फीस को बढ़ा करके 2500 करने जा रहे हैं। तो आप फीस की बढ़ोतरी से बचने के लिए जल्दी से जल्दी अपना क्या करा लें, रजिस्ट्रेशन करा लें और अपनी क्लास को कंटिन्यू शुरू कर दें, क्योंकि डिटेल में मैटर जो ऐप पे उपलब्ध होगा वो आपको पेड कोर्स के रूप में उपलब्ध हो पाएगा। ठीक है, अभी हम YouTube पे कुछ दिन प्रमोशन के लिए क्लासेज चला रहे हैं, बफरिंग कर रहे हैं, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहां मेरे सामने कमेंट खुले हुए हैं, किसी भी तरह की बफरिंग नहीं हो रही है, किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रॉयमेंट नहीं हो रहा है। आ जाइए, चलिए बात करते हैं राम सर से, वॉइस प्रॉब्लम सही कराइए। हाँ राम सर आ चुके हैं, प्रॉब्लम आपकी जो भी हो रही है उसको हम लोग सॉल्व आउट करते हैं।
आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहां पे क्या है, यहां पर अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 राजा राम मोहन राय के प्रयास से गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में लाया गया था। तो आपको समझ में आ रहा है, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 वाज ब्रॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक विद द एफर्ट ऑफ राजा राम मोहन राय। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी नियुक्त किया गया। क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड एम्परर ऑफ इंडिया बाय ए प्रोक्लेमेशन ऑफ 28 अप्रैल 1876। 1827 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन किया गया। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज फॉर्मड इन 1827 एडी। लॉर्ड रिपन द्वारा 1884 ईस्वी में प्रस्तुत विधेयक जिसमें भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में बसे यूरोपियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया गया था जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। बिल प्रेजेंटेड बाय लॉर्ड रिपन इन 1884 इन विच इंडियन मजिस्ट्रेट वर गिवन द राइट टू ट्राई द केस ऑफ यूरोपियन सेटल्ड इन इंडिया विच इज कॉल्ड इल्बर्ट बिल। यहां पर आपके सामने एक नई तरीके का प्रश्न खुला हुआ है, आप बताइए जल्दी से कि आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब यहां पे साथ में क्या देना है, सही कथन का चुनाव करना है। अब सही कथन का चुनाव करना है तो सही कथन इनमें से एक ही है, बताइए इनमें से सही कथन कौन सा है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। मैंने यहां पर एक नए तरह का प्रश्न रखा है जो यूपीएससी में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन इस प्रश्न के पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। अगर आप इस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो मान लूंगा कि आपने अपनी तैयारी को सही दिशा में किया हुआ है। अब देखिए अभी तक कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, सही उत्तर नहीं बता पा रहा है कोई। यहां पर सबसे पहले ध्यान यह देना है, मैं यहां छोटी छोटी मिस्टेक्स की हैं जानबूझकर ताकि आप लोग समझ पाए कि प्रश्न यूपीएससी में किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके के बदलाव यहां पर किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, यहां पर बात की जा रही है नेटिव मैरिज एक्ट की, और नेटिव मैरिज एक्ट जो लाया गया था वो 1872 में लाया गया था, और नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था तो गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में लाया गया था। लेकिन ध्यान दीजिए, यह राजा राम मोहन राय के प्रयास से नहीं लाया गया। तो नेटिव मैरिज एक्ट राजा राम मोहन राय के प्रयास से नहीं लाया गया, गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में लेकर के आया गया है, लेकिन इसमें राजा राम मोहन राय का कोई भी योगदान नहीं था। अब जब राजा राम मोहन राय का कोई भी योगदान नहीं था तो ऐसी स्थिति में जो आपका स्टेटमेंट है पहला वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा, 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी नियुक्त किया गया। 1876 में एक एक्ट पारित किया गया, और 1876 में जो एक्ट पारित किया गया था उस एक्ट के तहत 28 अप्रैल 1876 को जो उस समय ब्रिटेन की महारानी थी, उन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के तौर पर क्या किया गया, अपॉइंट किया गया था। यानी यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। तीसरा पॉइंट यहां पे दिया हुआ है, 1827 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन किया गया। तो आप ध्यान रखिए कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन जो किया गया था वो 1827 नहीं बल्कि 1823 में किया गया था। इसका मतलब है कि जब ये 1823 में हुआ है तो ऐसी स्थिति में तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अब चौथा यहां पे कहा जा रहा है, लॉर्ड रिपन द्वारा 1884 में प्रस्तुत विधेयक जिसमें भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में बसे यूरोपियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया गया था जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। तो ध्यान रखें, लॉर्ड रिपन द्वारा ये जो बिल लाया गया था वो 1884 में नहीं बल्कि 1883 में लाया गया था। तो जब इसे 1883 में लाया गया, यानी यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1883 की जगह 1884 लिखा हुआ है, और ये जो विधेयक था जिसे 1883 में लाया गया इसमें क्या किया गया, भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में बसे यूरोपियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया गया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इल्बर्ट बिल के नाम से जानते हैं। यहां छोटी सी मिस्टेक की गई है, 1884 की जगह यहां पे क्या होना चाहिए था, 1883
3 होना चाहिए था, यानी आपका ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, रॉन्ग। तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए, तो आपका जो कथन सही है वो कौन सा है, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट एंड अनदर वाज रॉन्ग। क्लियर हुआ, आपको समझ में आ रहा है, एक बार वीडियो को तेजी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अपने कमेंट्स दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी क्लास में आपको मजा आ रहा है तो आप लोग लगातार कमेंट देते रहिए कि आपको मेरी क्लास किस तरह की लग रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, जबरदस्त लग रही है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और अपने कमेंट्स देते रहिए जो मुझे मोटिवेट करते हैं, और वीडियो को लाइक करते रहिए। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, यहां पर ध्यान दीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना तथा इल्बर्ट विल विवाद के पश्चात भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण में और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग ने काफी जोर पकड़ लिया। After the establishment of the Congress in 1885 AD and the Ilbert Will dispute, the demand for giving more representation to Indians in administration and lawmaking, निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। The introduction of electoral system is one of the main features of this act. भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। Indian members were given the right to ask supplementary questions. और उपयुक्त में कितने कथन सही हैं? आप देखिए कि मैंने नया पैटर्न यहां पे फॉलो किया है और आपको कुछ नए तरह के प्रश्न यहां पे दिख रहे होंगे। अब नए तरह के प्रश्न आपको यहां पे दिख रहे हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि भारतीय सदस्यों के बारे में आपके प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। तो 1892 के एक्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम इसके पहले स्टेटमेंट को लेते हैं। 1885 में क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई, और आपको पता है इल्बर्ट बिल जो विवाद था वो 1883 के बाद स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण में और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग ने क्या किया, काफी जोर पकड़ लिया। आप जानते हैं कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इल्बर्ट बिल विवाद ये था कि उसमें भारत में बसे यूरोपियों के मामले में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है, यह अधिकार मिला है भारतीय न्यायाधीशों को। तो जब इस तरह के विवाद उठने लगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी आगे बढ़कर के कदम बढ़ाने लगी, तो निश्चित तौर पर भारतीयों के द्वारा मांग की जाने लगी कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या करिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन में आप ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दीजिए। इसका मतलब है ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है क्योंकि इनमें मांग की जाने लगी है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। इसमें क्या हुआ कि अब यहां पर एक नया सिस्टम हाईलाइट हुआ है कि अब जितने भी मेंबर आएंगे, विधानसभाओं का गठन हो गया, विधान परिषदों का गठन हो गया, यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल यहां पर बिल्डअप हो गई, कार्य करने लगी प्रॉपर तरीके से। तो जब ये प्रॉपर तरीके से कार्य करने लगी तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति में ये हो रहा है कि निर्वाचन पद्धति को लाना पड़ेगा, यानी इलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब इलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो करने से क्या होगा कि जो लोग वास्तव में वैल्यूएबल हैं उन वैल्यूएबल लोगों को ही यहां पर अधिकार मिलेगा शासन को चलाने में। तो निर्वाचन पद्धति को आरंभ करना पड़ेगा, यानी निर्वाचन पद्धति को क्या किया गया इस स्टेटमेंट के द्वारा, इस इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा 1892 के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया ताकि सही लोग शासन में चुन करके आए। अब सही लोग शासन में चुन करके आएंगे, इसका मतलब है कि यह इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। अब तीसरा प्रश्न यहां पर स्टेटमेंट क्या है, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। थोड़ा सा ध्यान देना है यहां पे कि यहां पे बातचीत किसके बारे में हो रही है, यहां पर बातचीत इस बारे में हो रही है पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस की बात हो रही है। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का राइट जो मिला है वो एक्चुअल में 1909 के एक्ट में मिला है, जिसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जानते हैं और इसे हम मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। मॉर्ले मिंटो एक्ट 19
09 के नाम से जानते हैं, तो पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला वो किस अधिनियम के द्वारा मिला है? 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा मिला है। अभी तक जितने भी यहां पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, भारतीय सदस्यों को सामान्य प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। अब यहां प्रश्न बनता है कि पूरक प्रश्न होता क्या है। अगर हम पूरक प्रश्न की बात करें तो जैसे लाइक एज मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, आपने कहा कि मेरा नाम सुमित है, तो मैंने आपसे अगला प्रश्न पूछा व्हाट डू यू मीन ऑफ सुमित। तो जो मैंने आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू मीन ऑफ सुमित, सुमित का अर्थ बताइए, तो आप क्या कहेंगे? ये दूसरा प्रश्न है। यानी आपके प्रश्न में से ही दूसरा प्रश्न निकालना क्या कहलाता है? पूरक प्रश्न कहलाता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कहलाता है। और आजकल इंटरव्यू में क्या होता है, जब भी आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है। आप अपनी रणनीति अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्रश्न का जो उत्तर होगा उसी उत्तर के आधार पर आपसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको अपने सेगमेंट को डिसाइड करना होगा। आप यूपीएससी के डायरेक्शन मेंबर्स के डायरेक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं आपके दिए हुए आंसर्स के अकॉर्डिंग। तो पूरक प्रश्न का मतलब समझ में आ गया होगा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मीन समझ में आ गया होगा कि आपके प्रश्न के उत्तर के आधार पर उसी उत्तर में से आपसे दूसरा प्रश्न पूछ लेना पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहलाता है। तो भारतीय सदस्यों को बजट के मामले पर प्रश्न पूछने का जो अधिकार दिया गया था वो प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 ईस्वी के एक्ट में मिला, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार नहीं मिला था। यानी प्रश्न तो पूछ सकते थे लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। जब ऐसी स्थिति बन रही है तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त में कितने कथन सही हैं? कोई भी एक, कोई भी दो, सभी तीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको दिख रहा है कि पहला और दूसरा सही है, यानी इसमें से कोई भी दो स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। मजा आ रहा है क्लास में आपको, कमेंट्स देख रहा हूं मैं आपके, जबरदस्त मोटिवेशन मिल रहा है मुझे आपके कमेंट से, जबरदस्त। कमेंट करते रहिए, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करते रहिए। वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुत साधारण सा प्रश्न मैंने यहां पर लिया है। अब इस प्रश्न को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर यहां प्रश्न का रूप क्या है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? अब जैसे ही मैं यहां पर प्रश्न पूछूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहां आप कंफ्यूज करने के लिए यह प्रश्न लाया गया है। यहां पे ध्यान देना है किस पे, कि बातचीत की जा रही है भारत शासन अधिनियम की, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 की। आप जानते हैं कि 1892 के एक्ट के द्वारा निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हो चुकी है। अब 1892 के एक्ट के द्वारा जब निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हो चुकी है, यानी 1919 के अधिनियम में क्या चेंजेज हुए? तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 को हम किस और नाम से जानते हैं, तो हम इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट भी कहते हैं। अब आप यहां पर एक प्रश्न और कर सकते हैं कि सर आप बताइए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर जो मॉन्टेग्यू हैं, इन मॉन्टेग्यू का पूरा नाम है लॉर्ड मॉन्टेग्यू। और ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू कौन है? दरअसल ये इंडियन सेक्रेटरी हैं, जो सेक्रेटरी हैं। और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन है? ये इंडियन वॉइस रॉय हैं, ये इंडियन वॉइस रॉय हैं। क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम की जो रणनीति बनाई गई थी वो किसके द्वारा? भारत के सचिव के द्वारा और भारत के वॉइस रॉय के द्वारा मिलकर के बनाई गई थी, और भारत में प्रशासन को सुधार करने के लिए बनाई गई थी। इसीलिए इनको इस अधिनियम को, यानी 1990 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो केंद्रीय विधानसभा, यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्शन टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो हुए हैं असेंबली के, वो
किस एक्ट के तहत हुए? 1919 के एक्ट के तहत हुए। कब कब हुए? 1926 में, 1937 में या 1945 में? कोई मुझे इस प्रश्न का उत्तर देगा तो आप बताइए कमेंट करके किसका कौन सा उत्तर सही है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए 1926 में किसी भी तरह के इलेक्शन नहीं हुए थे। कब इलेक्शन हुए? 1937 में इलेक्शन हुए और 1945 में इलेक्शन हुए। जब 1937 और 1945 में इलेक्शन हुए, 1926 में किसी भी तरह के इलेक्शन नहीं हुए, इसका मतलब है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है? तो दिए गए कूट में से हमें किसको चुनना है? बी और सी दोनों सही हैं, यानी पहला स्टेटमेंट स्मॉल ए गलत है और बी और सी दोनों यहां पे पूरी तरीके से सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने प्रस्तुत है, भारत परिषद अधिनियम के संबंध में विचार कीजिए। अब यहां पे इंडियन काउंसिल एक्ट दे दिया, यह नहीं बताया गया है कि यह एक्ट कौन सा है। अब यहां पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि भारत परिषद अधिनियम के संबंध में विचार कीजिए। अब इसका मतलब है कि भारत परिषद अधिनियम के संबंध में विचार करना है तो यहां पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो उसको हमें ऑप्शंस में ही ढूंढना पड़ेगा कि कौन से इंडियन काउंसिल एक्ट की बात की जा रही है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इस अधिनियम का उद्देश्य 1892 ईस्वी अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा बढ़ते हुए राष्ट्रवाद एवं उग्रवाद का सामना करना था। तो आप जानते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, इस अधिनियम का उद्देश्य 1892 ईस्वी के अधिनियम के दोषों को दूर करना। अब आप जानते हैं कि 1892 के बाद जो एक्ट पारित हुआ है वो कब पारित हुआ? 1909 ईस्वी में पारित हुआ है। और 1909 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित हुआ है? इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ है। और इस इंडियन काउंसिल एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट भी कहते हैं। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट के तौर पर भी जाना जाता है, यानी इसको मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। अब मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहते हैं? क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले उस समय भारत के सचिव थे और लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। तो 1909 ईस्वी का जो अधिनियम तैयार किया था वो लॉर्ड मिंटे भारत सचिव और लॉर्ड मॉर्ले भारत के वायसराय के द्वारा मिलकर के भारत के प्रशासन में सुधार करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए किया गया था, इसीलिए इसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट के नाम से जानते हैं। तो पहले ही ऑप्शन ने आपको क्लियर कर दिया है कि यहां पे एक्ट के बारे में, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो कौन सा एक्ट है? 1909 ईस्वी का एक्ट है। तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इस अधिनियम का उद्देश्य है 1892 ईस्वी के अधिनियम के दोषों को दूर करना और बढ़ते हुए राष्ट्रवाद एवं उग्रवाद का सामना करना। ध्यान दो, आप सभी जानते हैं 1905 ईस्वी में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ है, बंगाल का डिवीजन हुआ है। अब बंगाल डिवीजन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, इसका मतलब है कि बंगाल का विभाजन जो किया गया था उसके कारण भारत में उग्रवाद उत्पन्न हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का जो विभाजन किया था उसके पीछे एक ही उद्देश्य था, और उसके पीछे उद्देश्य था कि हिंदुओं को मुसलमानों से अलग कर देना है। अब अलग कर देना है तो हुआ क्या? बेसिकली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी कर दिया गया, और उसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल विभाजन के विरोध में क्या किया? हिंदुओं ने मुसलमानों के हाथों में और मुसलमानों ने हिंदुओं के हाथों में रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर राखियां बांधी और अपनी एकता का सबूत दिया। यानी अब आप समझ सकते हैं कि उग्रवाद बढ़ता जा रहा है ब्रिटिश सरकार के प्रति, तो इस उग्रवाद को रोकना है, इस उग्रवाद को रोकना है तो ऐसी स्थिति में उनको एक्ट पारित करना पड़ेगा, और वो एक्ट पारित हुआ 1909 में, जिसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो स्टेटमेंट पहला है वो पूरी तरीके से सही है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इसके तहत बजट की विवेचना करने, लोक हित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया था। अब यहां पे क्या किया जा रहा है कि अब जो भारतीय सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं? बजट की विवेचना कर सकते हैं, यानी डिस्कस कर सकते हैं बजट पर,
और लोकहित यानी पब्लिक वेलफेयर के विषयों पर क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अभी मैंने बताया था सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के बारे में कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का राइट किस एक्ट के तहत मिला, तो 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत मिला है, यानी आपका स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है, स्टेटमेंट सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। अब जब स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है तो आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। तो आप सभी जानते हैं कि जो भारत परिषद है यानी इंडियन काउंसिल है, और वायसराय की जो कार्यकारिणी है यानी वायसराय की जो काउंसिल है, उसमें भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। आपको पता है भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करने का प्रावधान तो बहुत पहले कर दिया था, लेकिन वास्तव में भारतीय सदस्यों को पहली बार शामिल किया गया है, और इसमें विधि सदस्य के तौर पर यानी लीगल एडवाइजर के तौर पर अपॉइंट होने वाले जो व्यक्ति थे, उन अपॉइंट होने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो पहले जो लीगल एडवाइजर थे, इन लीगल एडवाइजर का नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ये पहले लीगल एडवाइजर के तौर पर अपॉइंट किए गए। अब सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की बात करूं तो आप जानते हैं सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में विधि सदस्य के तौर पर शामिल होने वाले पहले भारतीय रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की और क्वालिटी पर बात करें तो आप जानिए कि 1915 ईस्वी में बॉम्बे का अधिवेशन हुआ था। बॉम्बे का अधिवेशन जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, इस बॉम्बे के अधिवेशन को किसने लीड किया, इस बॉम्बे के अधिवेशन को नेतृत्व किया यानी इसकी अध्यक्षता की, तो किसके द्वारा की गई, इसकी अध्यक्षता एसपी सिन्हा के द्वारा की गई थी। और इस अधिनियम की और विशेषता है कि बॉम्बे में जो अधिवेशन हो रहा है ये किसका हो रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हो रहा है। तो 1915 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने इसको लीड किया, इसकी चेयरमैनशिप की यानी इसकी अध्यक्षता की। और इस अधिनियम की एक और विशेषता है कि ये जो 1915 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है इसमें पहली बार किसी अंग्रेज के द्वारा भाग लिया गया है। पहली बार यानी फर्स्ट टाइम यहां पे क्या हुआ, किसी भी इंग्लिश ने पार्टिसिपेट किया है। तो फर्स्ट टाइम इंग्लिश ने क्या किया, इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज, अंग्रेज पार्टिसिपेट हुआ यहां पे। तो पहली बार किसी अंग्रेज ने पार्टिसिपेट किया। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किसी अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा भाग लिया गया था, तो वो 1915 ईस्वी का बंबई अधिवेशन है, और इस बंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, एसपी सिन्हा है। यानी आप समझ सकते हैं कि आपका तीसरा स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सही है, और आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही है इसका मतलब है कि यहां पर जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, लेकिन मेरा वही कहना है कि अगर आप लोग मुझे कॉपरेट कर रहे हो तो अपना कॉपरेशन दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल पाए, क्योंकि कुछ दिनों बाद हमारी क्लासेस 2 घंटे की होने जा रही हैं और हम लोग इसे पेड कोर्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक अपना एडमिशन नहीं कराया है वो आरएफआर के बैच में एडमिशन करा लें। वर्तमान में इसकी जो फीस है वो कितनी है, वर्तमान में इसकी फीस 2199 रुपए है। अगर आप इस एडमिशन को डिले करते हैं तो कुछ दिनों बाद हम इसकी फीस बढ़ाकर 2500 रुपीज करने वाले हैं। फिर आप कहेंगे कि सर हमसे ये मौका छूट गया, ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक, जिन लोगों को लग रहा है कि यह बैच उनकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पूर्ण करा सकता है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका रामबाण है और आपकी सफलता को सुनिश्चित करके रहेगा। आप देख रहे होंगे यहां पर प्रश्नों का स्तर कैसा है और किस तरह के प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न पर मैंने यहां मेहनत करके दिन रात एक करके आप लोगों के लिए अपना महत्वपूर्ण समय निकाला है, जबकि मेरे पास समय का अभाव रहता है, फिर भी मैं लगातार आपके लिए मेहनत करता जा रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, ताकि आपका भविष्य सुनिश्चित हो सके, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप भविष्य
आपका भविष्य सुनिश्चित हो गया, आप आईएएस बन गए, तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, मैं अपने आप को किसी आईएएस से कम नहीं समझूंगा। हो सकता है आई एम नॉट अ किंग बट आई वांट टू मेक अ किंग मेकर, मैं साबित करके रहूंगा मैं किंग नहीं हूं लेकिन मैं किंग मेकर हूं, मैं आईएएस नहीं हूं लेकिन मैं आईएएस बना सकता हूं, मेरा वादा है, पूरी दमखम लगा दूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगर आपको पता करना है कि किस प्रकार की इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, तो मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग 8750111100 या फिर 22, इनमें से किसी भी नंबर पर संपर्क करके अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। और एक और डिस्काउंट कोड आपको दे रहा हूं कि अगर आपको यह एडमिशन अपना 1999 रुपए में कराना है, यानी कि पुरानी फीस में कराना है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके सिर्फ आपको इतना बोलना होगा कि हमें सुमित सर ने आपका नंबर दिया है, इसलिए आप हमें 1999 में एडमिशन दे दीजिए, तो आप इसका बेनिफिट कैश कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, गिव इन ब्लो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए, कथन ए, 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए प्रथम मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। तो फर्स्ट फ्रेंच अंडर द एक्ट ऑफ 1909 AD, फर्स्ट फ्रेंचाइज एंड सेपरेट इलेक्ट्रेट्स वर अरेंज्ड फॉर मुस्लिम्स। कारण, इस प्रक्रिया में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। रीजन क्या है? इन दिस प्रोसेस द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज एडॉप्टेड। उपयुक्त के संबंध में कौन से कथन सही है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान दीजिए, 1909 ईस्वी के किसकी बात हो रही है? सीधी सीधी मतलब है कि 1909 ईस्वी के यहां पे इंडियन काउंसिल एक्ट की बात हो रही है, भारत परिषद अधिनियम की बात हो रही है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट या मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट कहते हैं तो इसके द्वारा क्या हुआ? आप जानते हैं कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल के विभाजन के पीछे उद्देश्य क्या था? हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करना। इसका इंपैक्ट भी पड़ा। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा कि 1906 ईस्वी में ढाका के जो नवाब थे जिनका नाम था सलीमुल्लाह खां, तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने और सलीमुल्लाह खां के एक समर्थक थे जिनका नाम था आगा खां, इन दोनों ने मुस्लिमों के लिए एक नई पार्टी का गठन कर लिया। अब नई पार्टी यानी 1906 ईस्वी में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा मुसलमानों के लिए एक अलग पार्टी का गठन कर लिया गया। अब जब अलग पार्टी का गठन कर लिया गया तो इन्होंने क्या कहा? 1909 ईस्वी का जब इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पारित हुआ तो ये अपना मैटर लेकर के पहुंचे किसके सामने? लॉर्ड मिंटो के सामने। और इन्होंने उनके सामने अपनी कंडीशन रखी। अब कंडीशन क्या रखी? इन्होंने कहा कि जितने भी मुस्लिम लोग इंडियन काउंसिल में इलेक्ट होकर के आएंगे उन सभी मुस्लिम लोगों को केवल किसके द्वारा इलेक्ट किया जाएगा? केवल मुसलमानों के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। और मुसलमान जब इनको इलेक्ट करेंगे हिंदुओं का इसमें कोई विरोध नहीं होगा। मुसलमानों को इलेक्ट करने का राइट दिया गया। तो 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए क्या कर दिया गया? फूट डालने की नीति चल रही है। देखो अब फूट डालने के लिए नीति चल रही है तो अंग्रेज क्या करेंगे? ऐसी अथॉरिटी मुसलमानों को दे देंगे, यानी मुसलमानों को यहां पर पृथक शब्द होगा, पृथक मताधिकार का और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान कर दिया गया। यानी कथन ये पूरी तरीके से सही है। अब देखिए, इस प्रक्रिया में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। आप समझ रहे हैं मुसलमानों को सेपरेट क्यों किया जा रहा है, मुसलमानों को स्पेशल अथॉरिटी क्यों दी जा रही है? यह स्पेशल अथॉरिटी इसलिए दी जा रही है ताकि मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग कर दिया जाए। यानी यहां पे फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जा रही है। यानी आपका जो रीजन है वो भी पूरी तरीके से सही है। तो आप क्या कह सकते हैं? ए और आर दोनों सत्य हैं। अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था क्यों की गई? ताकि फूट डाली
जा सके। इसका मतलब है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मजा आ रहा होगा आप लोगों को, मजा आ रहा है तो अपने कमेंट करके बताइए कि आप कितना मजा आ रहा है, कितना आप यहां पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आप लोग मुझसे और किस तरह की डिमांड चाहते हैं और आप किस तरह की अथॉरिटी चाहते हैं, आपको क्या चाहिए नया। ज्यादा से ज्यादा नया मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। हर तरीके के क्वेश्चंस को नए तरीके से डिजाइन कर रहा हूं जो 2023 के पैटर्न को पूरी तरीके से फॉलो करता हो। मेरी मेहनत, मैं एक कदम चलूंगा, आप भी एक कदम चलिए, मैं दो कदम चलूं, आप भी दो कदम चलिए, हम दोनों मिलकर के यूपीएससी को फतेह कर देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो हमें यूपीएससी को या स्टेट पीसीएस जिसका भी हम एग्जाम दे रहे हैं, क्या करना है, उसको फतेह कर लेना है और मैं वो फतेह करवा के रहूंगा। मैं आपको चलने के लिए मजबूर कर दूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कहां जाना है, आपकी मंजिल लवासना है, लवासना की मंजिल को कैसे आपको तय करना है, ये मैं कमिटमेंट करता हूं, मैं आपको पहुंचा के रहूंगा। बस आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के चलते रहिएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं थी। आप अभी तक देख पा रहे हैं, आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने कोई भी एक्ट ऐसा नहीं छोड़ा है जिससे क्वेश्चन ना लिया हो, जिसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट ना लिए हों। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सुमित सर इसके लिए कितनी मेहनत कर रहे होंगे, इसके लिए किस तरह क्वेश्चन को डिजाइन कर रहे होंगे, कितना दिमाग लड़ा रहे होंगे, तब जाकर के इस तरह के क्वेश्चन तैयार हो पा रहे होंगे। तो यहां पे आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं थी। अभी हम लोगों ने 1909 के एक्ट पे बातचीत की थी। तो सबसे पहले 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, शॉर्ट में हम इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट में इसे कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919। अब इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 है, मैंने अभी अभी आपको बताया था ये किसने पारित किया था, भारत के सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू और भारत की वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू और भारत की वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा मिलकर के पारित किया गया है, इसलिए उन्हीं के नाम पर 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना। अब प्रांतों की कार्यकारिणी यानी प्रोविंसेस के लिए जो कार्यकारिणी बनाई जा रही है, प्रोविंसेस के लिए जो एग्जीक्यूटिव बनाई जा रही है, उसमें क्या किया जा रहा है, द्वैध शासन की स्थापना की जा रही है यानी ड्वेल सिस्टम का प्रोविजन किया जा रहा है। अब ड्वेल सिस्टम का प्रोविजन क्यों किया जा रहा है, ड्वेल सिस्टम का प्रोविजन इस तरीके से किया जा रहा है कि विधान परिषद अपना काम करेगी, केंद्रीय विधानसभा अपना काम करेगी, कुछ ऐसे कार्य होंगे जो गवर्नर जनरल और उनकी परिषद मिलकर के करेगी और कुछ ऐसे कार्य होंगे जिसमें गवर्नर जनरल कार्यकारिणी के सहयोग से कार्य करेगी। इसी सिस्टम को कहते हैं द्वैध शासन। जैसे आज अभी हमारे यहां पे द्वैध शासन प्रचलित है, आप कहेंगे कैसे, लोकसभा एक तरफ है दूसरी तरफ राज्यसभा है, यानी हम कह सकते हैं कि लोकसभा की अपनी कुछ जिम्मेदारियां नियत हैं और राज्यसभा की कुछ अपनी जिम्मेदारियां नियत हैं। तो द्वैध शासन की व्यवस्था प्रांत के स्तर पर की गई थी, केंद्रों के स्तर पर नहीं की गई। तो प्रांतों के स्तर पर ड्वेल सिस्टम का प्रोविजन किसमें किया गया, 1919 के एक्ट में किया गया, यानी आपका ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। दूसरा, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। तो मैं आपको बताऊंगा 1909 ईस्वी के एक्ट में, आप देखिए 1909 ईस्वी के आईजी एक्ट में आपको जो अधिकार मिला वो किसको मिला, मुस्लिम्स को मिला है, लेकिन जब 1919 ईस्वी का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पारित हुआ तो इसे मुस्लिमों के अलावा सिखों के लिए भी बढ़ा दिया गया, सिखों के अलावा इसको पारसियों को भी उपलब्ध कराया गया, पारसियों के अलावा इसे वुमेन्स के लिए भी उपलब्ध कराया गया और
कई सारी अन्य कम्युनिटीज के लिए भी इसको उपलब्ध कराया गया, जैन बौद्ध को भी उपलब्ध कराया गया। यानी आप समझ पा रहे हैं कि सांप्रदायिक आधार पर, अब सांप्रदाय ही तो है, सिख संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, पारसी संप्रदाय, महिला संप्रदाय, इसको बढ़ा दिया गया है। कौन से एक्ट में? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 में। यानी यह वाला उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है तो अगले ऑप्शन पे आते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया। तो जब प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है, डायरेक्टली इलेक्शन हो रहा है, तो जब ये सांप्रदायिकता बढ़ाई गई है, तय की गई है, तो इसमें इन्होंने कुछ कंडीशन लगा दी। और कंडीशन क्या लगा दी कि अगर आप वोट दे सकते हैं तो आप वोट तभी दे सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या फिर दूसरी कंडीशन में आप वोट तब दे सकते हैं जब आप सरकार को टैक्स पे करते हैं। तो अगर आप सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं और टैक्स पे के अलावा, या फिर आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, तो आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा, अन्यथा वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। यह प्रोविजन भी कौन से एक्ट में किया गया है? 1919 के एक्ट में किया गया है। अगला, इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था। यानी इस अधिनियम में ऑल इंडिया यूनियन का प्रोविजन नहीं किया गया था, क्योंकि ऑल इंडिया यूनियन का जो प्रोविजन किया गया था वो बेसिकली 1935 के आईजीए इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा किया गया है। तो 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है वो प्रावधान करता है कि भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। 1919 ईस्वी में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। यानी आपका चौथा स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। तो आपका सही उत्तर आपको समझ में आ रहा होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहां पूछा क्या जा रहा है, फोकस कीजिए, नहीं हमें इस पर फोकस करना है, नहीं है, इस पर ध्यान देना है, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हमें अपने एक प्रश्न को बचाए रखना है। क्योंकि सिर्फ ये एक प्रश्न नहीं है, बल्कि ये तीन अंक हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर एक प्रश्न गलत हुआ तो आपके 0.33 अंक माइनस हो जाएंगे। अब माइनस हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, इसलिए हमें छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं। ध्यान से देखिए अगला प्रश्न क्या है। 1919 के जितने भी फैक्ट हैं मैंने सारे कवर किए हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1919 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। अब कौन कौन से यहां पे दिए जा रहे हैं एक्ट, उन पे एक बार विचार कर लीजिए और ध्यान दीजिए कि यहां पर पूछा क्या जा रहा है। अब पूछा जा रहा है आपसे क्या, यहां पर पूछा जा रहा है आपसे केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। दूसरा, बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार उच्च सदन को दिया गया। लियोनिल कार्टिस ने अपनी पुस्तक डायर की में द्वैत शासन का वर्णन किया है। ध्यान से देखो तो यहां पर ध्यान देना है कि पहली बार सेंट्रल बजट को स्टेट बजट से अलग करने का जो प्रोविजन किया गया वो 1919 ईस्वी के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में, या 1919 ईस्वी के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट में किया गया है। यानी यह स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से सही है। केंद्रीय बजट यानी केंद्र सरकार के लिए बजट अलग बनेगा और राज्य सरकार के लिए बजट अलग बनेगा। क्या इतनी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं सरकार के पास? नहीं हुई हैं। अब नहीं हुई हैं तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग नहीं किया गया था। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग करने का जो प्रोविजन किया गया था वो किस एक्ट में किया गया था? 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में किया गया था। तो 1935 ईस्वी के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया गया था। 1919 ईस्वी के बजट में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं था। अब जब प्रोविजन नहीं है तो स्टेटमेंट गलत हो गया। यहां पर अगला देखिए, बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार उच्च सदन को दिया गया। तो सबसे पहले आप जानते हैं उच्च सदन का मतलब क्या होता है? उच्च सदन का मतलब होता है राज्यसभा।
राज्यसभा को यहां पे क्या कहा जा रहा है, राज्यसभा को यहां पर कहा जा रहा है विधान परिषद। विधान परिषद भंग नहीं होती है, विधान परिषद को या राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा कहते हैं, लोकसभा जिसे हम सामान्य भाषा में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, लोअर हाउस या लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोअर हाउस कहेंगे। अब जब ये लोअर हाउस है तो लोअर हाउस आपको मालूम है कि बजट पर आज भी देखिए बजट पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है, बजट पर निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो उसमें सबसे ज्यादा अधिकार किसका होता है, लोकसभा का होता है। और लोकसभा किस नाम से जानी जाती है, लोअर हाउस के नाम से जानी जाती है। जबकि यहां पर कहा क्या जा रहा है, बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार उच्च सदन को दिया है। आप समझ रहे हैं, क्या उच्च सदन को मिला है ये अधिकार, नहीं मिला। ये किसको है, राज्यसभा केवल बजट के मामले में संशोधन करने का सुझाव दे सकती है, लोकसभा इसको स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। अगर राज्यसभा या विधान परिषद 14 दिन के अंदर विधानसभा को या फिर राज्यसभा लोकसभा को 14 दिन के अंदर बजट पारित करके नहीं देती है तो लोकसभा में या फिर विधानसभा में यह बजट अपने आप पारित हो जाता है। तो विधान बजट पारित करने की जो शक्ति प्राप्त है वो किसको प्राप्त है, लोअर हाउस को प्राप्त है, निम्न सदन को प्राप्त है। यानी यहां पर निम्न सदन की बजाय क्या लिखा है, उच्च सदन लिखा है। इसलिए ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हो जाता है। अब जब ये गलत हो गया तो अगले स्टेटमेंट पे आ जाइए। लियोनेल कार्टिस ने अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन का वर्णन किया है। तो लियोनेल कार्टिस एक ब्रिटिश राइटर थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था डायरकी, और डायरकी में इन्होंने ड्वेल सिस्टम यानी कि द्वैध शासन के बारे में बताया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब ये बात सही है तो आप समझ सकते हैं कि आपका कौन सा कथन गलत है। तो यहां पर आपके दो स्टेटमेंट गलत हैं, यहां पर ये गलत तरीके से टाइप हो गया है। आप ध्यान रखें यहां पर जो स्टेटमेंट गलत है वो एक और दो दोनों हैं, एक व दो दोनों हैं यहां पर, ठीक है। तो गलत किस पे पूछा जा रहा है, विचार कीजिए कौन से कथन गलत हैं। तो आपका एक भी गलत है और दो भी गलत है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। मजा आ रहा है ना समझने में, पढ़ने में। वीडियो को लाइक कर दो, तेजी से शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी की बात हो रही है, इसमें निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्न कथन में कहा जा रहा है कि इस अधिनियम में यानी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 पारित हुआ। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 क्यों पारित हुआ, बेसिकली हुआ क्या था कि 1919 ईस्वी में जब मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट पारित हुआ जिसे हम 1919 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं, इस अधिनियम में एक प्रोविजन किया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा और वो ऑर्गेनाइजेशन इस बात का इन्वेस्टिगेशन करेगा कि जो शासन चल रहा है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन 10 साल से पहले ही 1927 ईस्वी में साइमन आयोग का गठन हो गया। साइमन आयोग गठन हो गया, सबसे पहले साइमन आयोग 1927 ईस्वी में गठित हुआ। साइमन आयोग जब 1927 में गठित हुआ तो साइमन आयोग में कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। अब ये 7 सदस्य थे तो इन 7 सदस्यों में कोई भी इंडियन नहीं था, सारे के सारे जो मेंबर थे वो अंग्रेज थे। इसीलिए साइमन कमीशन को जो कि 1927 में गठित हुआ था इसको व्हाइट मैन कमीशन या श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इस कमीशन को व्हाइट कमीशन यानी श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके जो मत सदस्य हैं वो सारे के सारे अंग्रेज हैं। अब जब ये साइमन कमीशन का गठन हुआ तो किस बात के लिए हुआ, 1919 ईस्वी के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट को सही है या गलत है इस बात का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हुआ है।
यह साइमन कमीशन इंडिया में 1928 में आया और सबसे पहले यह साइमन कमीशन बंबई में पहुंचा। बंबई के बाद फिर यह साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध हुआ, लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध हुआ, तो इसके विरोध का प्रदर्शन करने के लिए लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में इसको काले झंडे दिखाए गए। लोगों ने काली पट्टियां बांधकर साइमन कमीशन का विरोध किया। इस साइमन कमीशन का विरोध हुआ पूरे भारत में, और इसके विरोध का एक ही कारण था कि इसमें किसी भी भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था। इस साइमन कमीशन ने 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ। लंदन में जब इसमें 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 में आयोजित हुए। तो 1930, 1931, 1932 में जब ये आयोजित हुए, इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों कहा जाता है, गोलमेज सम्मेलन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये गोलमेज के चारों तरफ बैठकर संपन्न हुए थे। तो आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था, 1930 में भी, 1931 में भी और 1932 में भी। लेकिन कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। जब दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर महात्मा गांधी आए, लंदन पहुंचे, तो महात्मा गांधी SS राजपूता नामक जहाज में बैठ करके लंदन गए। जैसे ही महात्मा गांधी को देखा वहां पर विंस्टन चर्चिल ने, तो विंस्टन चर्चिल ने देखकर कहा उनके कि वो तो धोती कुर्ता पहने हुए थे, तो उसने कहा ये तो अर्धनंग फकीर आया है, भारत से अर्धनंग फकीर आया है। तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा, अर्धनंग फकीर कहा है। अब अर्धनंग फकीर किसने कहा, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपका उत्तर होगा विंस्टन चर्चिल। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए कहां गए, भाग लेने के लिए लंदन गए थे, यानी कांग्रेस ने केवल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, बाकी पहली और तीसरी कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया। इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बातचीत हुई, उस बातचीत के आधार पर जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष को ही 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट का कहा जाता है। तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो निष्कर्ष है, वो निष्कर्ष ही क्या है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के रूप में अस्तित्व में आया है। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कुछ नए प्रोविजन किए। ब्रिटिश सरकार को लगने लगा था कि अब तो भारतवासियों को आजादी देनी पड़ेगी, कोई विकल्प नहीं बचता है। लेकिन जितने दिन हम शासन कर सकते हैं, शायद हम कुछ ऐसी रणनीतियां बनाए जिससे ये लोग हमारी बातों को मानने पर मजबूर हो जाए। इसीलिए उन्होंने एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, और जब इनके द्वारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया तो उस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में 321 आर्टिकल थे, उस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में 10 शेड्यूल्स थे और 14 पार्ट थे, यानी 1935 ईस्वी का अधिनियम था, इसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी और 14 भाग थे। बट ध्यान रखें, इसमें प्रियम्बल नहीं थी, नॉट प्रियम्बल, इसमें प्रियम्बल यानी प्रस्तावना का अभाव था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए, ऐसा कौन सा अधिनियम था जो प्रस्तावना विहीन था या जिसमें प्रस्तावना थी ही नहीं, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, आपका उत्तर होना चाहिए ऐसा अधिनियम था 1935 ईस्वी का अधिनियम। इसकी इज्जत को बचाए रखने के लिए इस 1935 के एक्ट में जो प्रियम्बल जोड़ी गई, यानी कि जो प्रस्तावना जोड़ी गई बाद में, वो कौन सी प्रस्तावना जोड़ी गई, इसमें जो प्रस्तावना जोड़ी गई वो 1919 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट की प्रियम्बल को मेंशन कर दिया गया। 1919 ईस्वी के अधिनियम की प्रस्तावना यहां पे बाद में शामिल की गई, यानी कौन सा अधिनियम है जो प्रस्तावना विहीन है, तो 1935 ईस्वी का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट प्रस्तावना विहीन है। अब देखिए, इसके बाद इस एक्ट में और क्या क्या प्रोविजन किया कहा गया, इस एक्ट में और कौन कौन से प्रोविजन किए जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब यहां पर प्रोविजन की बात आ रही है तो यहां पे प्रोविजन हो रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहां पे स्टेटमेंट दिया जब ये 1935 का एक्ट पारित हुआ कि ये तो हमारी गुलामी को प्रदर्शित करने वाला पत्र है, यानी ये हमें ऐसे अधिकार दे रहा है जिसके द्वारा हम कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, यानी हमें हमेशा गुलाम बना के रखना चाहता है। इस अधिनियम में इस तरह के प्रोविजन है।
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा है, गुलामी का अधिकार पत्र कहा है, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है। अब यहां पे देखिए, यहां पर अगली बात आती है, प्रांतों में स्थापित द्वैत शासन इसके तहत समाप्त कर दिया गया। 1919 ईस्वी के अधिनियम में क्या किया गया था, प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली स्टार्ट की गई थी, लेकिन 1935 ईस्वी के अधिनियम में प्रांतों में क्या किया गया, ड्यूअल सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। तो इसको समाप्त कर दिया गया, इसका मतलब क्या है कि प्रांतों में समाप्त किया गया, तो इसको किस लेवल पर स्टार्ट किया गया, केंद्र स्तर पर प्रारंभ किया गया, यानी केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ है, 1935 ईस्वी के अधिनियम तक के द्वारा, और प्रांत स्तर पर द्वैत शासन या ड्यूअल सिस्टम खत्म हुआ है कौन से अधिनियम के द्वारा, 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा, यानी तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। अब 1935 ईस्वी का जो अधिनियम पारित हुआ, इस अधिनियम के तहत फरवरी 1935 ईस्वी में 11 प्रांतों में, कितने प्रांतों में, 11 प्रांतों में विधानमंडलों के चुनाव कराए गए, और इन 11 प्रांतों में जब विधानमंडलों के चुनाव कराए गए, इसमें से 5 प्रांतों में, यानी 5 प्रोविंस ऐसे थे जिसमें कांग्रेस को पूरी तरीके से बहुमत मिला था, और एक प्रांत ऐसा था जिसमें कांग्रेस ने क्या किया, एक प्रोविंस में कांग्रेस ने दूसरी पार्टी के सपोर्ट से सरकार बनाई थी। यह प्रश्न कई बार यूपीएससी में पूछा गया है, यानी इस 1937 ईस्वी के चुनावों के तहत कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी, तो 6 प्रांतों में सरकार बनाई थी 1937 ईस्वी में जो चुनाव हुए थे। इस 1935 ईस्वी के अधिनियम में और क्या हुआ, इस 1935 ईस्वी के अधिनियम की बात करें तो आपको चौथा स्टेटमेंट भी सही लग रहा है, सही है। इस अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को यह हुआ कि आपके लिए फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, यानी संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को, इसी अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को और क्या हुआ, आरबीआई की स्थापना की गई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत बर्मा, जिसे हम आज म्यांमार के नाम से जानते हैं, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। वो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा म्यांमार यानी कि बर्मा को भारत से अलग किया गया, वह इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, अलग कर दिया बिल्कुल बर्मा को। पहले बर्मा भारत का हिस्सा हुआ करता था, और बर्मा की राजधानी क्या होती थी, बर्मा की वर्तमान में राजधानी क्या है, इसका नया नाम है म्यांमार, और इसकी राजधानी है नेपी ताओ। तो बर्मा की एक नई राजधानी है जिसको वर्तमान में हम लोग नेपी ताओ के नाम से जानते हैं, और नेपी ताओ से पहले बर्मा की राजधानी क्या हुआ करती थी, नेपी ताओ से पहले बर्मा की राजधानी रंगून हुआ करती थी। ठीक उसी प्रकार से जैसे श्रीलंका की राजधानी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, श्रीलंका की राजधानी का नाम बदलकर जयवर्धनेपुरम कर दिया गया, उसी तरीके से म्यांमार की राजधानी का नाम रंगून से बदलकर क्या कर दिया गया, बाद में रंगून से बदलकर नेपी ताओ कर दिया गया। मजा आ रहा होगा आपको क्लास में, एक बार कमेंट करके बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो मजा आ रहा है, जिनको क्लास में लग रहा है कि कुछ नया मिल रहा है। जान लगा दूंगा पूरी आपके सिलेक्शन के लिए, कदम से कदम मिलाकर बढ़ते रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, आगे बढ़िए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरी ताकत झोंक दूंगा, बट आपका सिलेक्शन करा के रहूंगा। यानी आपका जो चौथा स्टेटमेंट है वो भी सही है। आपका उत्तर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। मजा आ रहा होगा आपको। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दें एक बार वीडियो को, मुझे मोटिवेशन दें, मुझे अच्छा लगता है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, आपके सामने एक नया प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी के संबंध में कौन सा संबंध असत्य है। आप देखिए, मैंने कोई भी पॉइंट यहां पे छोड़ा नहीं है। अगस्त ऑफर की बात की जा रही है, अगस्त ऑफर 1940 की बात हो रही है, इसके संबंध में कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, असत्य है, यानी नॉट ट्रू, विच फैक्ट इज फॉल्स। ध्यान देना है क्या पूछा जा रहा है, फॉल्स पूछा जा रहा है इन रिलेशन टू द अगस्त ऑफर 1940। ध्यान देना है हमें एक एक वर्ड पे, ताकि हमारा प्रश्न कहीं भी गलत ना हो पाए। तो यहां पे कहा जा रहा है,
कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इस पर असंतोष व्यक्त किया, यानी बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन ओवर दिस। इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह सूरत से प्रारंभ किया गया। इट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज स्टार्टेड फ्रॉम सूरत। इसमें युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना का प्रावधान था। इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल स्वराज इन इंडिया एट द एंड ऑफ द वॉर। इस प्रस्ताव के पारित होने के समय लॉर्ड लिनलिथगो को भारतीय वायसराय का थे, लॉर्ड लिनलिथगो को भारतीय वायसराय थे, यानी लॉर्ड लिनलिथगो वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पासिंग दिस रिवॉल्यूशन। अब आप ध्यान दें यहां पे, क्या आपसे पूछा जा रहा है असत्य कौन सा कथन है, तो अगर आप इसका उत्तर मुझे देते हैं तो यह प्रश्न मैं मान जाऊंगा कि आप वास्तव में गंभीरता के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगस्त ऑफर 1940, तो अगस्त प्रस्ताव जो था वो 1940 ईस्वी में पारित हुआ। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस पर असंतोष व्यक्त किया है, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों से अनसेटिस्फाइड थे, नॉन सेटिस्फाइड थे। यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह सूरत से प्रारंभ किया गया, तो सबसे पहले ध्यान रखें यह सूरत से प्रारंभ नहीं किया गया था, यानी जब यह पे कहा जा रहा है कि सूरत से प्रारंभ नहीं किया गया, यानी यह स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरीके से गलत है। तीसरा, इसमें युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना का प्रावधान था, बिल्कुल सही है। इसमें यह प्रोविजन किया गया कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा, आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, 1939 में हुआ था, और ये वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला, 1945 तक चला। क्यों चला, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर बमबारी की और लिटिल बॉय नामक बम गिराया था। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर बमबारी की और इसमें थ्रेटमैन नामक बम गिराया था। 15 अगस्त 1945 को जापान और उसके सहयोगी देश जितने भी थे, उन सभी देशों ने 15 अगस्त 1945 को ब्रिटेन की सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी 15 अगस्त का जो दिन था वो ब्रिटिश इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन हो गया। इसी दिन की गरिमा को बनाए रखने के लिए भारत को आजादी 15 अगस्त को प्रदान की गई थी। अब देखिए आगे कहा जा रहा है, क्या इस प्रस्ताव के पारित होने के समय लॉर्ड लिनलिथगो को भारतीय वायसराय था, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि 1940 ईस्वी में जो इंडियन वायसराय थे उनका नाम क्या था, लॉर्ड लिनलिथगो था, यानी दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पे क्या पूछा जा रहा है, असत्य पूछा जा रहा है, यानी नॉट ट्रू। अब नॉट ट्रू विच फैक्ट इज फॉल्स पूछा जा रहा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मजा आ रहा है आपको, एक बार वीडियो को फिर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ठीक 9 बजे आपके लिए उपस्थित होऊंगा नए प्रश्नों को लेकर के कल फिर। और आप लोग ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको क्या कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मजा आ रहा है क्लास में तो आप लोग मुझे कॉपरेट करिए, और ऑफलाइन कमेंट में आप मुझे सजेशन दीजिए कि मैं और आपके लिए क्या बेहतर कर सकता हूं। जय हिंद, जय भारत। क्या खबर कोशिशें नाकाम काम आ जाए, कि क्या खबर कोशिशें नाकाम काम आ जाए, मेरे आगाज पे हंसना मेरे अंजाम के बाद। जय हिंद।